Everyone can see the slide? Yes. अभी हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस किया कि मतलब हम लोग ने क्या किया, जेल के ऊपर हम लोग ने क्या मूव किया, इलेक्ट्रिक करेंट। तो व्हेन विल मूव द इलेक्ट्रिक करेंट, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज विल मूव वेयर, निगेटिव चार्ज डीएनए कहाँ पे मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, नोड्स टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अभी मेरे को बताओ कि जो लार्ज सेगमेंट वाले रहेंगे वो ज्यादा दूर जाएंगे कि जो स्मॉल सेगमेंट वाले रहेंगे वो ज्यादा दूर जाएंगे, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट। तो इसलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज प्रेजेंट ऑन विच चार्ज, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट कहाँ पे रहेंगे, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो हियर इफ यू सी द स्मॉलर सेगमेंट, तो स्मॉलर सेगमेंट इज प्रेजेंट नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और लार्जर फ्रेगमेंट दैट प्रेजेंट नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। चलें आगे। हाँ सर, नेक्स्ट। अभी हम लोग ने क्या किया, ट्रीट विथ विच सॉल्यूशन, ट्रीट विथ अल्कलाई सॉल्यूशन ऑफ व्हाट NaOH टू डीनेचर डीएनए बॉन्ड्स इन द व्हाट जेल इनटू द सिंगल स्ट्रैंड। तो हम लोग ने इसके ऊपर क्या डाला, किसे ट्रीट किया, अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, जैसे हम लोग ने डाला, फिर क्या हुआ, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, बाकी कोई यूज कर सकते क्या? नहीं, इसमें हम लोग ना सोडियम Done, sir. Done, everyone? Yes. Okay. Yes. अब उसके बाद सिक्स क्या है, सिक्स हम लोग करेंगे, दैट इज अ ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। समझ में आया, साउदर्न ब्लॉटिंग नाम क्या है। नाउ वी ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट टू द व्हाट सिंथेटिक मेम्ब्रेन, दैट इज नाइट्रो सेलुलोस और नायलन, एंड then baked in the vacuum oven at 80 degrees Celsius for the 3 to 5 hours to fix the DNA fragments on the membrane. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको ट्रांसफर किया, कौन से शीट पे ट्रांसफर किया, कौन से शीट पे ट्रांसफर किया, नायलॉन, नायलॉन शीट पे, नाइट्रो सेल्यूलोस, सेल्यूलोस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट किया, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस, कितना टाइम के लिए, 3 to 5 hours, 5 घंटे के लिए। अभी ये जो पूरा सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, जहाँ पे उसको हीट किया गया वहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर, सो इट विल फिक्स ना, इट विल फिक्स एट दैट एरिया, है ना, दिख रहा फिक्स हुआ है, दिख रहा फिक्स्ड, सर। अरे ये देखो ना, इमेज देखो, इमेज में दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे लाइन टू लाइन है, लीनियर। अब ये सब क्या हो गए, ये सब इस पे फिक्स हो गए, क्या हो गए, फिक्स हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी पे रेडियो एक्टिव लिक्विड डालेंगे, क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिव लिक्विड, हाँ रेडियो एक्टिव लिक्विड डालेंगे, तो ये जहाँ पे फिक्स है वहीं पे फिक्स रहेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा, जहाँ पे फिक्स है वहीं पे फिक्स रहेगा। और हम लोग ने इसके ऊपर क्या डाला, रेडियो एक्टिव लिक्विड। अब रेडियो एक्टिव लिक्विड डालूंगा तो जितने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन लोग डीएनए लिक्विड को, मतलब रेडियो एक्टिव लिक्विड को एब्जॉर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे,
अब अगर मैं उस डीएनए लिक्विड से उसको क्लीन करके छोड़ दूंगा एंड देन द डीएनए सेगमेंट विल एब्जॉर्ब दैट रेडियो एक्टिव लिक्विड, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक्सरे फिल्म रखूंगा, तो जिन लोगों ने रेडियो एक्टिव थिंग्स को एब्जॉर्ब किया है उन लोग जो है रेज एमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। उन लोग जब रेज एमिट करेंगे तो उसका इमेज जो है एक्सरे फिल्म पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बाय सीन दैट एक्सरे फिल्म वी नो दैट और वी अज्यूम दैट कि वो जो बंदा अभी बताया दो लोग का करेंगे सेम टेक्निक से सेम थिंग, ठीक है? अब वो दोनों एक्सरे फिल्म जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे। अगर दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम है तो मतलब कि दोनों एक ही इंडिविजुअल, मतलब एक से ही दोनों इंडिविजुअल बने हैं, और अलग अलग है तो बोथ आर डिफरेंट, समझा? हाँ सर। अगला चलो, हो गया लिख के? हाँ सर। ओके okay। नेक्स्ट देखो सातवां क्या आया। प्लेस दी नाइट्रो सेलुलोज, अब क्या किया जो नाइट्रो सेलुलोज पे हम लोग ने हीट किया था, प्लेस दी नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पेपर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब, ठीक है? किसके साथ हम लोग ने प्लेस किया? सो वी प्लेस द नाइट्रो नाइट्रो सेल्यूल सेलुलोज फिल्टर विद सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग रेडियो एक्टिव लेबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब। अब क्या हो जाएगा, द डीएनए प्रोब बाइंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। जो डीएनए था सॉरी जो डीएनए हम लोग ने लिया था, हम लोग ने इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। बनाया था। तो अभी जो रेडियो एक्टिव का सोल्यूशन है उसके साथ उसके पास क्या है, डीएनए प्रोब है। क्या है? इट है डीएनए प्रो प्रोब। अभी के पास डीएनए प्रोब है, जब हम लोग इसको जो है अपना नाइट्रोजन सेलुलोज पेपर पे डालेंगे तो नाइट्रो सेलुलोज के पास जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो वो डीएनए प्रोब के साथ मिलकर के डबल स्टैंडर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। जो मैंने बोला था ना कि इट विल एब्जॉर्ब द रेडियो एक्टिव थिंग्स, इट विल नॉट एब्जॉर्ब द रेडियो एक्टिव थिंग। वो क्या होगा कि रेडियो एक्टिव थिंग्स में हम लोग ने डीएनए ऑलरेडी डाल के रखा है, डीएनए प्रोब। अब वो जो डीएनए प्रोब है जो नाइट्रो सेलुलोज पेपर है, नाइट्रोजन सेलुलोज पेपर के ऊपर जो सिंगल डीएनए है वो सिंगल डीएनए किसके हेल्प से डबल डीएनए बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हाँ लेकिन किसके वजह से होगा, दैट हैपेंस डीएनए विद प्रोब की वजह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब की वजह से। किसके वजह से? से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब है किसके अंदर था, रेडियो एक्टिव सोल्यूशन के अंदर में था, हाँ सर। तो ये जब जा करके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन करके और डीएनए का क्या करेगा, डीएनए को डबल करेगा, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा, तो जितने भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगे उन लोगों के पास रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द फिल्टर पेपर इज वॉश्ड टू रिमूव अनबाउंड प्रोब। तो जो डीएनए प्रोब था तो डीएनए प्रोब हम लोगों ने किसके ऊपर डाला, नाइट्रो सेलुलोज पेपर के ऊपर डाला, तो जिसके वजह से जो डीएनए प्रोब है उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का काम किया किसके साथ, ओरिजिनल डीएनए के साथ। किसके साथ? डीएनए के साथ। ओरिजिनल डीएनए जो हम लोग ने लिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है? अभी हम लोग ने क्या किया, जो डीएनए प्रोब है तो डीएनए प्रोब के पास कौन सा एलिमेंट था, बोलो डीएनए प्रोब के पास कौन सा एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना उसके पास, हाँ सर। क्या समझ में आ रहा है, क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं उसके पास? है सर। अब डीएनए प्रोब के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो डीएनए प्रोब जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था जो चिपका हुआ था नाइट्रो सेलुलोज पेपर पे उसके साथ उन लोगों ने क्या किया, कंबाइन होके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म करके डबल स्टैंडर्ड बन गए, और बाकी का जो अनवांटेड जिन लोगों ने किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं किया है और जो कि क्या है अनबाउंड प्रोब बन करके नाइट्रो सेलुलोज में रह गया, उसको क्लीन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर करना क्लीन नहीं करोगे तो उसके भी इमेज आपको एक्सरे पे मिलेंगे ना, तो आप क्या करोगे, पड़ेगा। उसको क्लीन करोगे। लिख लिया।
Done everyone? Yes. Yes. Okay. दिख रहा है आप लोगों को? Can you see? Yes. Yes, sir. Okay. So here if you see the hybridized DNA मतलब कि जो DNA probe के साथ hybridized हुआ है, the hybridized DNA is photographed on the X-ray film by ऑटोरेडियोग्राफी. ऑटोरेडियोग्राफी मतलब अभी देखो जो डीएनए प्रोब था उसके पास क्या था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था ना. अब अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर अगर आप एक्सरे फिल्म में रखोगे तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेस को एमिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर. करेगा. और अगर जब वो रेड पे अपना जब क्या बोलते हैं अपना जब रेडियो एक्टिव थिंग्स वो रेस को एमिट करेगा तो एक्सरे फिल्म पे उसका फिल्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर. आ जाएगा. ठीक है. सो दैट थिंग इज कॉल्ड द ऑटो मतलब खुद से हो गया ना. सो दैट इज कॉल्ड द ऑटो रेडियोग्राफी. सो द इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड ऑफ द हाइब्रिड डीएनए इज ऑब्टेंड एंड कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. कैन यू सी एक्सरे फिल्म? यहाँ पे दिख रहा आप लोगों को एक्सरे फिल्म? हाँ सर, डार्क और लाइट बैंड. तो आप लोगों में से मेरे को कौन बताएगा इसमें जो पॉजिटिव है पॉजिटिव साइड किस साइड है और नेगेटिव साइड किस साइड है? एनीवन? ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नीचे पॉजिटिव चार्ज है? नीचे. नीचे सर. ऊपर नेगेटिव. कैसे पता चला? लॉन्ग और शॉर्ट. ठीक है. सो कैन यू सी जैसे जैसे पीछे आ रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है? अपना डीएनए फ्रेगमेंट का साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा मैटरनल क्रोमोसोम दिख रहा है आप लोगों को? मैटरनल क्रोमोसोम एंड द मैटरनल क्रोमोसोम. ठीक है. So here you can see chromosome 7, chromosome 12, chromosome 16. ठीक है. So अलग-अलग है. तो ये क्या है? That is a DNA from A individual and this is the DNA from B individual. ठीक है. तो DNA from chromosome C. ठीक है. So number of short tandem repeats. तो ये सब आपको number of short tandem repeats दिख रहे हैं. तो can you see A, B and C? Can you see A, B and C? Yes. ठीक है. So ये जो था DNA from crime scene C, तो मतलब कि crime scene से लिया गया है, that is the C. और दो individual जो सबके गायरे में थे वो क्या थे? A and B. So that is amplifying repeat separated by the size and the gel and the DNA fingerprinting. तो जो C है जो crime scene का DNA किसके साथ match कर रहा है? B के साथ. B के साथ मैच कर रहा है. तो B के साथ मैच कर रहा है तो which individual is a crime ये criminal? B. B one. समझा? ये मैच कर गए. ये मैच कर गए मतलब जो क्राइम सीन पे प्रेजेंट था तो उसको कौन था? A था कि B था? A था. B था. B था ना. देखो ना मैच किया ना. B का सब कुछ मैच कर रहा है. B मैच किया ना तो B था वहां पे. चलो आगे. हाँ हाँ. नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग.
So what is the application? We use by DNF fingerprinting for a forensic tool to solve the problem of paternity, rape, or murder, for the diagnosis of genetic disease. For that, we are also using the DNF fingerprinting to determine the what phylogenetic status of animal. Okay? Phylogenetic status of animal. Phylo means जो एक्सटर्नली सीन होते हैं ठीक है फिनोटाइपिकली और जीनेटिक मतलब जीनेटिक यू नो स्टेटस पैटर्निटी मतलब क्या अगर कोई ये जैसे पैटर्निटी जैसे मैं बोलता ना मैटर्निटी पैटर्निटी का मतलब ये होता है कि फादर मतलब एग्जैक्टली पेरेंट्स कौन है मतलब कोई एक बच्चा है और 10 लोग खड़े हो गए कि मैं उसका पेरेंट्स हूँ ठीक है उसके फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे उस बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे तो जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चे के फिंगरप्रिंटिंग के साथ मैच करेगा तो वो उसका रियल पेरेंट है कल भी मैंने आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया था ठीक है होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा फर्स्ट हम लोगों ने ट्रांसलेशन कल किया था ट्रांसलेशन दूसरा वी डिड लैकोपेरॉन तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंट You have to write this for 2 times. दो बार इसको लिखना है and HGP, Human Genome Project, for 1 time. ठीक है So this is your homework. Okay? So, आगे का प्लान क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे कैसे हम लोगों को करना है सो अपना ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ठीक है फ्राइडे को जो मेरा लेक्चर होगा फ्राइडे को मेरा लेक्चर 1.5 hours का ही होगा ठीक है तो फ्राइडे को जो लेक्चर है वो 1.5 hours का ही होगा सो उसमें मैं जो आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और ये सब है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या करूँगा वो टॉपिक को कवर करूंगा उसके एमसीक्यूज भी मोस्ट ऑफ लोग करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू द व्हाट एमसीक्यूज ऑफ दिस ठीक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बाकी का अपना जो चैप्टर बचा हुआ है कौन सा चैप्टर बचा हुआ अपना चल रहा है इकोसिस्टम ठीक है तो बाकी का इकोसिस्टम हम लोग साइमल्टेनियसली लेकर के चलेंगे इकोसिस्टम के बाद अपना दो एनवायरमेंटल चैप्टर रहेगा ठीक है सो वी विल डू दैट आफ्टर इकोसिस्टम ओके चलो बाय हेलो कोई कुछ बोल रहे क्या आप अगले लेक्चर में एमसीक्यूज कराएंगे ना आवाज नहीं आ रही है हेलो बाय सर थैंक यू सर ओके बाय हैव अ नाइस डे बाय 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 सर थैंक यू हाँ